अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं मैथ्स में, तो एक्सरसाइज 8.1 तो कंप्लीट हो गई है। ये जो बॉक्स है ना, एक बार इसे भी समझते हैं कि इसमें क्या है। तो बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 79। तो इसमें है, फ्रॉम द अबव पैटर्न्स वी ऑब्जर्व दैट व्हेन, ये जो हमने ऊपर पैटर्न्स किए हैं इसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि जब डिविडेंड इज़ इंक्रीज्ड, जब डिविडेंड इंक्रीज होगा, डिविडेंड कौन सा होता है, जो जिसको डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम 121 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 121 क्या है, ये डिविडेंड है, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिविडेंड इंक्रीज होगा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, जब डिविडेंड इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, तो कोशेंट इज़ ऑल्सो इंक्रीज, तो जो कोशेंट है वो भी इंक्रीज होगा। कोशेंट क्या होता है, जो यहाँ आंसर जो आता है ना, उसे कहते हैं कोशेंट। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला पैटर्न है, इसमें जब डिविडेंड इंक्रीज हुआ है, पहले 7 था तो कोशेंट क्या था, 1 था, फिर 77 हुआ तो कोशेंट कितना हुआ, 11 हो गया, 777 हुआ तो कोशेंट कितना हुआ, 111 हुआ। तो जब डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, जब डिविडेंड बढ़ रहा है, तो कोशेंट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है। ओके, अब है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, डिवाइजर इज़ इंक्रीज्ड, जब डिवाइजर इंक्रीज हुआ कोशेंट इज़ डिक्रीज, यानी जब डिवाइजर बढ़ा तो कोशेंट डिक्रीज हो गया। डिवाइजर क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं, ये वाला होता है डिवाइजर। तो जब डिवाइजर डिक्रीज हुआ तो कोशेंट भी डिक्रीज हो गया। ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये तो है डिविडेंड, और जो 6 है ये है डिवाइजर। तो जब 6 डिवाइजर था तो कोशेंट क्या था, ये था, यानी 2 के आगे 6 ज़ीरो हैं। और जैसे ही डिवाइजर बढ़ता गया, यानी 6 का 60 हुआ तो एक ज़ीरो कम हो गया, फिर 600 हुआ तो एक और ज़ीरो कम हो गया, फिर 6000 हुआ तो एक और ज़ीरो कम हो गया। तो इसका मतलब कि जब डिवाइजर बढ़ रहा है तो कोशेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। अब है नेक्स्ट, डिविडेंड इज़ इंक्रीज्ड, कोशेंट इज़ ऑल्सो डिक्रीज, यानी जब डिविडेंड डिक्रीज हो रहा है, डिविडेंड कौन सा, ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जब ये डिक्रीज हो रहा है यानी जब ये घट रहा है, तो इसके साथ साथ कोशेंट भी घट रहा है। जब ये बढ़ रहा था तो कोशेंट भी बढ़ रहा था, और जब ये घट रहा है डिविडेंड, तो कोशेंट भी घट रहा है। देखते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए, ये जब ये देखिए, ये समझिए कि अगर डिविडेंड डिक्रीज़ होगा, यानी अगर ये 121 है, जब इसको डिक्रीज़ करेंगे, अगर हम इसको 120 करेंगे या 115 करेंगे, तो कोशेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब डिविडेंड डिक्रीज़ होगा तो कोशेंट भी डिक्रीज़ होगा, ये हमने जो ऊपर पैटर्न दिए गए हैं उनसे सीखा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा इस बॉक्स में जो है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।